डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवरा ने कहा कि दो बार विधायक होने के बावजूद असीम गोयल को किसानों के हितों के लिए हरियाणा विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो बड़े ही खेद की बात है। वहीं अपने ही इलाके में किसानों का जोरदार रोष प्रदर्शन देखकर उन्हें अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया है। देखिए, अगर असीम गोयल जी का बैनर ध्यान से देखा जाए तो अपनी सरकार के खिलाफ तो वो लग नहीं रहे। उन्होंने अपना सारा रोष और जोश जो है एक अधिकारी के खिलाफ उस बैनर में जताया है, और हम उनसे सवाल करना चाहेंगे कि इस तरह धरने प्रदर्शन पर सड़कों पर और बाहर बैठने की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें सरकार आई गई ना दे रही हो, जिनके लिए सरकार के दरवाजे ना खुले हों। आप तो सत्ता पक्ष के MLA हैं, दो बार के MLA हैं, आपको ये करने पे क्यों मजबूरी करनी पड़े किसी तरह की? आपको तो सीधा अपने चीफ मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, और उससे पहले जो महीनों से आपके इलाके के किसान आंदोलित हैं मंडियों पे, सड़कों पे, आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। वहाँ तो कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन अब जब इन्हें लग रहा है कि इलाके के सारे किसान संगठित हो रहे हैं, आवाज़ एक हो रही है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो है आज है, विपक्ष ने इंसाफ का जो ये झंडा उठा रखा है और साख बचानी मुश्किल हो सकती है, तो इस तरह का मैं समझूंगी लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम असीम गोयल जी कर रहे हैं। जब सत्र में सदन ही नहीं है, वहाँ पे आप बैठे हुए एक अधिकारी के खिलाफ बैनर बनाकर, ये लड़ाई क्या पीके दास जी इसका निवारण कर देंगे? इसका निवारण तो भाजपा करेगी, चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, सत्ता पक्ष कर सकता है। तो ये सिर्फ मैं समझूंगी कि कहीं ना कहीं एक किसानों की लड़ाई में वो थोड़ा सा ये करने की कोशिश है कि शायद मैंने भी कुछ किया, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं है। इसमें कोई भी उनका जो है ना सही या सशक्त कदम नहीं है, और उनके इलाके की मंडियों में क्या हाल है वो देखने नहीं गए। अभी गत दिनों हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चौधरी निर्मल सिंह के झंडे के नीचे हमने DC को इतना एक ज्ञापन दिया, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करा गया, शायद कहीं उसी को देख के इनको थोड़ी परेशानी भी हो रही है और घबराहट भी हो रही है। और ये इन्हें महसूस हो रहा है कि जो हमारा देहाती इलाका है, जो किसान है, जो आड़त है, जो खेती से जुड़ा है, मजदूर है, गरीब है, वो सब इन्हें अपने उससे खिसकते दिख रहे हैं। और आज एक मध्यांतर का एक हल्का सा इन्होंने कहते हैं ना एक छोटा सा अपनी एक आहुति दे दी कि विधानसभा के बाहर जाकर ये बैठ गए हैं। इससे कुछ नहीं होना, ये सिर्फ मात्र दिखावा है, किसानों की लोगों की आंख में धोखा है, और ये बहुत दुखद बात है। देखिए, किसानों के मुद्दे पे भाजपा के सहयोगी और उनकी अपने पार्टी के व्यक्ति भी दो फाड़ रहे हैं, हर कोई जानता है, और बहुत डरा कर, धमका कर दबा कर उनको साथ रखा गया है। जो अभी अकाली दल सरकार के साथ जो उनके लीडर्स के खिलाफ इन्होंने ED के मुकदमे खोले, ये साफ कहीं ना कहीं भाजपा की जो बौखलाहट को दर्शाता है। आज उन्हें हर हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ा है लोगों को दबाए रखने के लिए, अपने पक्ष में भी। और ये कहना कि लोगों ने बरगला दिया, आज किसान यूनियन किसान अपने आप बिना बुलाए सड़कों पर आंदोलित है। कल कोई ये बता दे कि सिरसा में किस राजनीतिक पार्टी का प्रदर्शन था, लेकिन किसानों के ऊपर इन्हें कल इन्होंने वाटर कैनन्स भी चलाए, लाठियां भी चलाई, पीपली में कौन सी राजनीतिक पार्टी वहां पे खड़ी हुई थी? किसान आज पूरे देश में आंदोलित है, खास तौर पे हरियाणा पंजाब का। और ये जो सरकार है, ये इस बात का ठीकरा किसी और के सर पे नहीं फोड़ सकती, और इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा और कीमत चुकानी पड़ेगी इस गलत कदम की।